हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सब कुछ चलन। दोस्तों, जैसा कि हमने रियलमी नार्जो सीरीज से पहले एक वीडियो बनाई थी रेडमी 9 की, जिसमें कि ये फोन दिखाई दिया था शाओमी के आरएफ सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर, और अभी कुछ दिनों पहले ये वाईफाई सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी दिखाई दिया था, बट अब फाइनली और लास्ट लेके इसका दिखाई दिया है ब्लूटूथ वेरिफिकेशन वेबसाइट पर, जो कि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं हम गूगल पर और यहां पर लॉन्च स्टूडियो ब्लूटूथ की वेबसाइट एंटर करता हूं, और ये वेबसाइट ओपन हो गई है, और यहां पर मैं सर्च में रेडमी 9 एंटर करके सर्च करता हूं। सबसे लेटेस्ट डेट जो आप देख रहे हैं वो है 26 मई की, यानी कि ये कल की डेट है, और यहाँ पर Redmi 9 के 5 मॉडल दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग है। तो ये फाइनली कंफर्म हो गया है कि ये अब जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ब्लूटूथ वेरिफिकेशन लास्ट होता है किसी फोन लॉन्च से पहले। इसके अलावा इस फोन में 6 इंच से ज्यादा का डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि HD+ डिस्प्ले होगा, और ये एक पंच होल डिस्प्ले होने वाला है। वैसे हमें अब काफी कम प्राइस में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं सभी फोन्स में, जैसे कि अभी इन्फिनिक्स होट 9 सीरीज भी लॉन्च होने वाला है, उसमें भी पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, जिसके ऊपर मैं वीडियो पहले से ही बना चुका हूं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बट रियलमी नार्जो में पता नहीं क्यों अभी भी नोच डिस्प्ले कंपनी ने दिया। एनीवे, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको पंच होल डिस्प्ले ज्यादा अच्छा लगता है या फिर वाटर ड्रॉप। इसके अलावा रेडमी 9 में बैक साइड में प्लास्टिक का बैक दिया जाएगा, और इसके डिजाइन में रेडमी K30 जैसा होने वाला है, और रियर कैमरा माउंट के नीचे ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। अगर बात करें इसके कैमरा की, तो इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, और इसके रियर में क्वाड कैमरा होने वाला है, जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होने वाला है। इसके अलावा इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर होने वाला है, जो कि एक बजट स्मार्टफोन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। वहीं इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात की जाए, तो इसका बेस वेरिएंट 3 GB रैम के साथ में 64 GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, और इसके अलावा इसमें और भी वेरिएंट देखने को हमें मिलेंगे। अब बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है, बट पता नहीं इस बार शाओमी अपने इस फोन में 10W का चार्जर देने वाली है, जबकि कम से कम इसमें 18W का चार्जर तो मिलना चाहिए। इन सब के अलावा इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ 5, यूएसबी टाइप सी, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक, आईआर ब्लास्टर, MIUI 11 पर ये मिलेगा, और एंड्रॉइड 10 इसमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। इसके अलावा इसमें और सारे सेंसर मिल जाएंगे। अब बात करें इसके प्राइस और लॉन्च डेट की, तो ये फोन जून मंथ में लॉन्च हो जाएगा, और इसके प्राइस भी 8000 रुपए के आसपास होने वाली है। तो आप में से कौन कौन है जो इस फोन का वेट कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।